कोरोना को लेकर सभी राज्यपालों के साथ मीटिंग होने वाली है। 14 अप्रैल को राज्यपालों के साथ पीएम की बैठक है। कोरोना पर राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ होगी चर्चा। मुख्यमंत्री का लॉकडाउन को लेकर रुख क्या है, ये जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीएम उद्धव ठाकरे का बैठक से पहले लॉकडाउन के संकेत देना क्या जाहिर कर रहा है। सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें लिखा गया है कि सख्त लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। लॉकडाउन और सख्त पाबंदियां अब बेहद जरूरी हो गई हैं। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक जैसी जगहें हॉटस्पॉट बन चुकी हैं कोरोना का। और शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें लॉकडाउन के संकेत देती हुई शिवसेना सीधे सीधे नजर आ रही है। कोरोना की खतरनाक रफ्तार से देश भर में बेहद डरावने हालात। बड़ी खबर, 24 घंटे में 1,69,000 से ज्यादा नए केस, 904 की मौत। अकेले महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा केस, 349 लोगों की मौत। यूपी में 15,276 नए मामले मिले, 67 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी में सोचे, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 10,500 नए केस, 122 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के करीब 6,000 केस मिले, 24 की मौत। सीधे बिग वॉल पर आएं और मैं कुछ सवाल लेकर आ रहा हूं। प्ले करें यहां पर, बिग वॉल पर आएं और ये सवाल हमारे लिए बड़े जरूरी है। पहला बिग वॉल प्ले करें यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो देखें, भारत में यूएस ब्राजील से कई गुना ज्यादा केस हो गए। चिंता की बात यह है कि एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। प्ले करें इसको राहुल। ये देखें भारत में, ये देखें भारत कहां पहुंच गया है, 1,69,000। टर्की आगे आया है 50, लेकिन अमेरिका और ब्राजील में केसेस कम हो रहे लेकिन भारत में बढ़ रहे। सुप्रीम कोर्ट के 50वीं सदी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। विस्फोट के बाद पूरे कोर्ट को किया गया सैनिटाइज। दिल्ली हाई कोर्ट के भी 3 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा समेत करीब 12 स्टाफ कोरोना संक्रमित। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ कुमार कुंदन मौजूद है। कुमार कुंदन, ये हो क्या रहा है? मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, वो इस पूरे मामले में विक्टिम बनता जा रहा है, कोर्ट्स में प्रॉब्लम है, ये क्या है? देखिए निशान, थोड़ा सा अगर हम पिछले साल की बात करें तो लॉकडाउन पिछले साल लगा हुआ था, सारे लोग के घर में थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। इस बार स्थिति अलग है, इस बार लोग बाहर निकल रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं।